नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं रुचि लाइव। ललन सिंह ने इशारों में कहा उपेंद्र कुशवाहा जल्द थामेंगे भाजपा का दावा। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा के बगावती तेवर पर ललन सिंह ने इस वक्त बड़ा बयान दे दिया है। यह आपको बता दें कि ललन सिंह ने कहा कि कुशवाहा इन दिनों कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना वाली स्थिति में है। उन्होंने कहा कि वे बोल कुछ और रहे हैं और निशाना कहीं और है। ललन सिंह ने कहा कि कुशवाहा कह रहे हैं कि जदयू कमजोर हुई है, ठीक है, लेकिन ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि जब जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा था तब कुशवाहा ने कितने सदस्य बनाए। उन्होंने कहा कि एक ओर जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान भी राज्य भर में सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी कारण जदयू के 72 लाख सदस्य, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। दूसरी ओर उसी अवधि में उपेंद्र कुशवाहा ने कितने सदस्य बनाए ये उन्हें बताना चाहिए, जिससे पार्टी मजबूत होती है। इसके आगे ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की जदयू के प्रति निष्ठा पर भी सवाल खड़ा किया। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि कुशवाहा को बताना चाहिए कि हाल के दिनों वे बार बार दिल्ली क्यों गए। ललन सिंह ने कहा कि वे इस बात को बताएं कि उनके दिल्ली जाने के बाद भी बात बनी कि नहीं। देखें तो ललन सिंह का इशारा एक प्रकार से कुशवाहा के जदयू छोड़कर भाजपा में जाने को लेकर जो भीतर खाने बातें हो रही हैं उस ओर थी। वहीं पार्टी में 19 और 20 फरवरी को उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में चल रही बैठक पर ललन सिंह ने कहा है कि ये जदयू की कोई आधिकारिक बैठक नहीं है। उन्होंने कहा कि जदयू की आधिकारिक बैठक बुलाने का अधिकार केवल प्रदेश अध्यक्ष को है। हालांकि कुशवाहा ने जो बैठक बुलाई है उसमें जनता दल यूनाइटेड के समर्पित साथियों की 2 दिवसीय बैठक लिखा है, जबकि ललन सिंह ने उनकी बैठक को जदयू की बैठक मानने से इनकार किया। यहां आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा इस बैठक को लेकर जारी पोस्टर में उनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। वहीं इस पोस्टर में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव की भी तस्वीरें लगाई गई, लेकिन ललन सिंह को पोस्टर में जगह नहीं दी गई। यानी कुशवाहा ने ललन सिंह को ही जदयू के पोस्टर से आउट कर दिया, यानी कि एक तरह से बगावती तेवर अपनाए हुए उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ जहां ललन सिंह को निशाने पर लिया है, तो दूसरी ओर ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अंदेशा जताया है कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में जदयू का आंतरिक कलह चरम पर है। अब देखना यह है कि ये विवाद आगे क्या रूप लेता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें रुचि लाइव के साथ। धन्यवाद।